कार्तिक माह में एकादशी से पूर्णिमा तक हर साल पुष्कर मेले का आयोजन होता है। ऐसा माना जाता है कि 84 करोड़ देवी देवता पंच तीर्थ स्नान के दौरान पुष्कर में वास करते हैं। पुष्कर विदेशी व देसी सैलानियों के लिए पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि आखिर पुष्कर मेले की ऐसी क्या खासियत है कि इस मेले में देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं, तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आखिर पुष्कर मेले में दूर दूर से लोग क्यों आते हैं। हॉट एयर बलून। पुष्कर मेले में पिछले 5 साल से एयर बलून की शुरुआत हुई है, जिसकी सवारी करने के लिए लोग पुष्कर मेले में आते हैं और इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह बना रहता है। कैमल सफारी। रेतीले थोरों में कैमल सफारी करने का आनंद ही अलग होता है, जिस कारण सजे धजे ऊंट व बग्गियों की सैर करने के लिए लोग पुष्कर मेले में आते हैं। राजस्थान के अलग अलग रंग। पुष्कर मेले में राजस्थानी व लोक कला के साथ ही राजस्थानी संस्कृति के विभिन्न रंग देखने को मिलते हैं, जिसे अपने कैमरे में कैद करने के लिए देशी विदेशी पर्यटक इस मेले में आते हैं। सबसे बड़ा पशु मेला। इंटरनेशनल लेवल पर पुष्कर मेला सबसे बड़ा पशु मेला है, जहां हर साल हजारों पशुओं की खरीद फरोख्त होती है। साथ ही पशुओं की आवश्यक सामग्री भी इस मेले में मिलती है। आध्यात्मिक माहौल। पुष्कर मेले में कई लोग पूजा अर्चना व अपने मन की शांति के लिए आते हैं, क्योंकि पुष्कर का आध्यात्मिक माहौल लोगों को बेहद पसंद आता है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता। पुष्कर मेले में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन होता है, जिसमें देशी विदेशी पर्यटक हिस्सा लेते हैं। राजस्थानी खान पान। पुष्कर मेले में आने वाले पर्यटकों को रेतीले धोरों में बैठकर राजस्थानी भोजन, दाल बाटी, चूरमा, कढ़ी, गट्टे की सब्जी व चावल और लहसुन की चटनी का आनंद लेने का अवसर मिलता है। दोस्तों, यदि आप पुष्कर मेले से रिलेटेड ढेर सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको पुष्कर मेले से जुड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।